रात में बेसिकली जब मैं अपने पिछले वाली वीडियो की जब मैं एडिटिंग कर रहा था ना भाई, मेरी आंखें जो थी मतलब इतनी तेज ऐसे ऐसे वो बंद हो रही थी, जैसे वो टॉम एंड जेरी वाले टॉम को जब नींद नहीं आती है तब उसकी तब आंखें बंद हो रही होती है, लेकिन उसको अपनी आंखें खोलनी रहती है कि उसको चूहे को देखना है। कल रात में भी मैं जैसे तैसे करके मैं अपनी बस आंखें खोल के मैं अपने कल वाले वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। मुझे तो लग रहा था भाई कल नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत तेज मुझे नींद आ रही थी। मैंने कल वाले वीडियो की मैंने कैसे एडिटिंग की है भाई मुझे ही पता है। इस समय सवेरे के 9:30 बज रहे हैं और कसम से बता रहा हूँ भाई एकदम मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन अब उठना पड़ा। मैं अपनी मैं चाय बेसिकली पी रहा था, चाय पीते पीते सोचा मैं बाहर आके एक बार नजारा देख लेगी कैसा नजारा है बाहर का। भाई बाहर का नजारा तो एकदम ही सड़ा है यार, बहुत तगड़ी धूप है। हम अपने घर के ही अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं इस समय धूप में। वैसे कुछ भी कहो धूप में ना वीडियो क्वालिटी भाई कैमरे की एक नंबर आती है ना, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है। अगर YouTube हम लोगों को आइडेंटिफाई करता है ना, वो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करता है कि ये ब्लॉगर है, ये कॉमेडियन है, स्केच आर्टिस्ट है। YouTube ना हम लोगों को आइडेंटिफाई करता है एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, और कॉन्टेंट क्रिएटर की ड्यूटी सिर्फ कॉन्टेंट बनाना नहीं होती है, बैक एंड पे बहुत सारे काम होते हैं जो चल रहे होते हैं, काफी चीज मैनेज करनी पड़ती है, YouTube अकाउंट मैनेज करना पड़ता है। अब तुम लोग अब ये वाली ड्राइव देख रहे हो, इस वाली ड्राइव में सिर्फ 33 GB ही है जो खाली है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें जो आप जो रिकॉर्ड करते हो वो सब अनयूज्ड हो जाती है, मतलब वो यूज में नहीं आ पाती उस है ना, सो वो आपके हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं वो पड़ी रहती है, सो वो ना काइंड ऑफ वो जगह घेरने लगती है ना। ये मेरा अनयूज्ड वाला बेसिकली फोल्डर है, इसमें इतने सारे इसमें मोटर ब्लॉग्स जो है वो सब अनयूज्ड पड़े हुए हैं है ना, और ये टोटल है पूरे मोटर ब्लॉग सिर्फ 63 GB के हैं। और एक सच्चा कंटेंट क्रिएटर वही होता है जो कि अपने सारे वीडियोस में से सारे कंटेंट को निचोड़ के निकाल ले। सो आज के इस वीडियो में इन सारे मोटर ब्लॉग से कंटेंट एकदम निचोड़ने वाला हूँ और तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ एक मेगा मोटर ब्लॉग जिसमें काफी कुछ होगा जो कि मेरे मल्टीपल डेज का है। और मेगा मोटर ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम्हें अगर पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना। सो द मेगा मोटर ब्लॉग कमिंग इन 3, 2, 1। मैं ये सोच रहा हूँ पहले मैं तेल ही पहले भरवा लूँ अपनी गाड़ी में है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी वहाँ तक गंज तक जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब चली तो जाएगी इतना तो है, लेकिन यार वो फिर भी रिस्क क्यों लेने को यार। 505 का डाल दो, 505। चलो सर हम लोगों का एक काम जो है वो हो गया है, अब दूसरा काम कराने के लिए जाना है गंज। फालतू का हॉर्न मारने लगते हैं साले, हॉर्न ऐसे मारेंगे जैसे बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं सब। ऑलराइट गाइस, सो इस समय जो है वो हमारी फटी पड़ी है गर्मी से। अबे इंडिकेटर नहीं है क्या है, इंडिकेटर तोड़ के बैठे रहते हो? अरे दीदी देख के नहीं चलना है, अरे यार ये भेड़ ना दे यार है ना, पता चला मुझे ऐसे आगे फट मार दी मैं उधर डिवाइडर में घुस गया। अरे दादा क्या कैसे चल रहे हो भैया। चलो यहाँ ये भी हमारे लिए अच्छा हुआ कि सिग्नल जो है वो खुला हुआ था, बस आगे बस ट्रैफिक ना लगी हो। ये देखो भाई हमारे सामने चल रहे छपरी है ना, मीडिया गाड़ी पे लिखवाए हुए चल रहे बिना हेलमेट के। देखो हम कैमरा वैमरा लेके चलते हैं, सब कुछ एकदम साथ में लेके चलते हैं। वो सिग्नल तोड़ के चला गया, 3 सेकंड हमें जाना है इधर। हाँ सिग्नल तोड़ के आ रहे हो तो अच्छा भाई, लोग यहाँ पर सिग्नल लिए देखो, ये पता नहीं कैसे गाड़ी खड़ी, मतलब कोई कार तो इधर तो जा ही ना पाए। ये देखो भाई ये सहारा गंज है, मतलब इस मॉल का नाम है सहारा गंज। एक जमाने में लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद फन रिपब्लिक बन गया। हाँ इधर यार कौन सी, अबे ये कौन सा ये चक्का जाम लगाया है, और लोग इधर से जा रहे उल्टा होके हैं, बहुत सही है। ये क्या भाई ये गमछा ओढ़ के कैसे जा रहा है। चलो दादा, अरे जो लेफ्ट जाना है तो निकल चलो, हम लोग भसड़ में हम लोग। अरे 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 चोचले ही चोचले, चोचले ही चोचले, क्या हॉर्न मार रहे हो यार, मिलिट्री की गाड़ी पागल है क्या, क्यों चला रहे हो अब हैं? ऐसे तो खड़े हो गए थे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ट्रैफिक आगे बढ़ जाए लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इस साल। अबे क्यों बढ़ रहे हो, खड़े रहो ना एक ही जगह। अच्छा मुझे यार इतना पागल नहीं होना चाहिए, गंज है भाई साहब, गंज में सब ऐसे ही चलते हैं उल्टा सीधा। ये देखो गाइस बेनिफिट ऑफ कार मतलब बाइक है ना, छोटी सी गली मिल रही है वहां से भी निकाल ही लो। ये देखो सिग्नल का डर बाबू भैया, सिग्नल का नहीं चलान का डर बाबू भैया, चलान का डर। यहाँ पर ना इस उधर से इधर आना मना है ना, मतलब सिंगल लेन है ये सिर्फ है ना, ये वाला रास्ता वन वे। अरे भाई साहब सफारी सूट पहन के क्या इसे गाड़ी चलाओगे, यहाँ पर ना कोई पर भरोसा नहीं रहता है कि कौन कब आके ठोक के चला जाए, सब उजड़ की तरह सब चलते हैं। भाई साहब बहुत तेज गर्मी है यार, और ये देखो मेरी गाड़ी जादू बन गई, मतलब अपने से चल रही है ना, हाथ मेरा यहाँ है लेकिन मेरी गाड़ी भागी पड़ी है समय 60 पे। सर पकड़ ले नहीं तो विंड ब्लास्ट, पता चले एक तरफ से विंड
रही और हम उड़ गए। Why there is no छाए? चलो छाए तो मिली। हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर उस तरफ। यार ये कैसा सिग्नल है यार, टाइम भी नहीं बताता है। कभी कभी टाइम बताता है, कभी कभी नहीं बताता है। टाइम बता दिया करो चचा, उसी हिसाब से चलो। लग रहा है सिग्नल बहुत तेज से बुरा। अच्छा बंद होने का टाइम बता रहे हैं। हाँ भैया 40 मिनट में मैं बंद हो जाऊंगा, मतलब 40 सेकंड। यार हर बार मेरे मुंह से मिनट ही निकलता है। अरे 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 भाई साहब। चलो हम लोग, हम भी निकल ही जा रहे हैं अंकल जी के साथ। वेट फॉर अ सेकेंड सर। चलो यहाँ से निकलते हैं, सिग्नल लग चुका है। ऑल राइट। अरे यार क्या हॉर्न क्या मार रहे हो यार। ऑल राइट गाइस, सो मेरा कैमरा चल रहा है ना क्योंकि क्यों भाई ये लोग। अरे बाप रे बाप, कितने सारे लोग भर के जा रहे हैं भाई इस बस में। ये क्या अंकल जी, AK-47 लेके चल रहे हैं क्या? शायद AK, हाँ AK है यार। भाई साहब ऐसे भसड़ मच जाती है ना पॉलिटेक्निक चौराहे पे। अरे कहाँ आ रहे हो? है ना मैं तो कह रहा हूँ पुलिस की गाड़ी उस बाइक वाले को ठोकते है। साला बदतमीजी से चल रहा है, सब बदतमीज तो होते ही है। चलो सर यहाँ पर छाए में खड़े हो जाओ 30 सेकंड के लिए। अंकल जी को देखो भाई 800 ऐसे नचा रहे हैं जैसे जवान को चला रहा हो। अरे भाई कहाँ सामने कहाँ आ रहे हो यार, ऑन कैसे चल रही है यार। अरे भाई ऐसे धीरे हो गए सामने आके, अगर मैं भेड़ देता तो मर जाते। अरे यार भाई साहब सिग्नल लग गया यार, है ना सबसे वाहियात वाला सिग्नल लगा है। चलो रुक जाए, क्या करें भाई, रुकना ही पड़ेगा, अगर रुकेंगे नहीं तो दिक्कत। यहाँ से लोग उल्टा कैसे आ रहे हैं भाई, यहाँ वो तो वन वे था, मतलब बाइक आती थी, बाइक तो कहीं से भी आ जाती है, ये क्या। अरे भाई मरते अभी। अरे किंग जोन गाड़ी चला लो भाई, तुम्हारे आगे कोई भी नहीं है यार। हेलमेट यार, ये इतना थार वाला यार इतना प्यार से चला रहा है यार ना, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे देख के। मतलब दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ डिसेंट राइडर। ये क्या बना दिया, ये झरना बन के बंद हो चुका है या बनने वाला है, ऐसा करके कुछ है। इस वाले चौराहे को बाद में कहते हैं दैनिक जागरण चौराहा। हे भाई कैसे बीच में यार आ जाते हैं ये लोग बताओ। अरे 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 भाई, अरे अरे अरे, जाना तो सर हमें भी उधर ही है, लेकिन पता नहीं आप लोग जाने दोगे या नहीं जाने दोगे। ये देखो सर बाइक होने का फायदा है ना, घुमा के अंदर से लेके जा सकते हो। और ये हम ट्रैफिक में फिर से आके फंस गए भैया, हमें इधर जाने के लिए कुछ तो जगह छोड़ देते है। सिग्नल लाल है सर, चलो हरा हो गया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच सर। खड़े हो गए भाई, जाम लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं यहाँ पर लोग। मैं वहाँ पर मैं आया था है ना, सो उसके यहाँ तो मैं जैसा चाह रहा था वैसा था ही नहीं यार। यहाँ पे इतने देर से सिग्नल लग रहा है, इतने देर में मैंने व्लॉग भी कर लिया लेकिन सिग्नल खुला नहीं। कहाँ जा रहे हो यार? अबे यार तू तेज चलाना। अरे ये रिक्शा धीरे धीरे टूंग टूंग के चल रहा है। ये देखो गाइस, ये है यहाँ का ऑफिस टाइमिंग वाली ट्रैफिक है ना, मतलब हालांकि इस समय ऑफिस टाइमिंग तो नहीं है लेकिन यहाँ पर ना ऐसे ही यहाँ पर ट्रैफिक मिलती है। अरे यार कुर्ता पैजामा, ऐसे कुर्ता पैजामा पहन के चला रहे अंकल जी। अब जाके अब थोड़ा सही लग रहा है भाई साहब, पसीने में एकदम मतलब यार तरबतर में हो गया था। चलो इतने साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए मुझे लखनऊ में रहते हुए, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस तरफ खेत है। जाओ निकल जाओ, तुम्हारी तो दो पहिया है ना, घुस जाओ इसी ट्रैफिक में। दो पहिया चलाने की आदत है लेकिन चलाएंगे कार। कसम से यार निकलने ही नहीं दे रहा था वो मुझे, जाने दो अंकल। 10-90 पे क्या भीड़ है, क्या है भीड़ तो भाई बहुत ही ज्यादा है। ये क्या चल रहा है भाई, है ये कुछ चल रहा है क्या? अच्छा यहाँ से यार इस तरफ जाने में क्या नजारा देखने को मिलता है यार, उस तरफ तो एकदम खूबसूरती दिखती है। ये देख लो गाइस, ये नया वाला मतलब नया वाला क्या है, ये देख लो गाइस, ये रिवर फ्रंट है, पुरानी वीडियो में बहुत बार दिखा चुका हूँ। अरे भाई साहब ये देखो, ये वही वाला ऊंट वाला है। अरे ये देखो गाइस ऊंट। भाई साहब आज इतने ट्रैफिक अच क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ज्यादा भाई ट्रैफिक तो मैंने कभी भी नहीं देखी यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, इस समय आज जो है वो पॉलिटेक्निक पे पता नहीं इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है, आज तो संडे है सर। हम लोग है पॉलिटेक्निक चौराहे पे ट्रैफिक को फेस करते हुए। अरे वो लोग सिग्नल तोड़ के चले गए, सब लोग भाई सो जाते हैं ट्रैफिक में ना, किसी को होश नहीं होता है, चलना भी होता है क्या ट्रैफिक में, है रोड पे चला जाता है, क्या बात कर रहे हो, ऐसे मूर्खों की तरह रोकोगे तो कैसे चलेगा। ये देखो ये खम्भा जाम लगाया पड़ा है, लग रहा है सर आज की हमारी जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, आज हमें एक ही चौराहे पे दो दो सिग्नल का सामना करना पड़ा। देखो ये भाई साहब को देखो, ऐसे हाथ दिखा के अपनी निंजा टेक्निक अपनी दिखा रहे हैं, मैं ऐसे करके हाथ दिखाऊंगा और लोग रुक जाएंगे। ऑलराइट गाइस, इस समय शाम के 8 समय बज रहे हैं और मैं जस्ट मैं अभी सो के उठ के मतलब आया हूँ। लोग अपनी अपनी नई नई मर्सिडीज निकाल के, ये इंडिकेटर क्यों चला रहा है ऑटो वाला, है इसको इसमें डिवाइडर पे भीड़ जाना है क्या, इनके सामने इतनी जगह खाली है लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं ट्रैफिक मचा के, है जब यहाँ पर जब ट्रैफिक लग जाएगी तब हॉर्न तब पे लेंगे। ये देखो सर हम जो है इस समय फालतू वाले सिग्नल पे लगे हुए हैं। अरे बाप रे बाप,
आज तो यार सब लोग आज 100 पे चल रहे हैं। यहाँ पर 3-4 कार ये भी 100 पे जा रहा है। पुलिस वाले होते तब तो डर भी लगता है। अरे यार आज क्या किस्मत है भाई मेरी, सिग्नल पे सिग्नल लगा जा रहा है। अरे वो लोग सिग्नल तोड़ दिए भाई। अरे ऑटो वाला भी चला गया सिग्नल तोड़ के इन लोगों से। अरे भाई ये वही है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला है ना, ये देखो मर्सिडीज ठोक दू क्या ये है। मैं रुकूंगा नहीं यार कहीं। ये देखो भाई फोटोबाजी चल रही है। और रेड गाइस ये है 1090 चौराहा और यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी होंगे। यहाँ का सिग्नल मतलब बंद हो गया। मैंने तुम लोग बताया था ना संडे को ये वाला सिग्नल बंद हो जाता है ना, एकदम तगड़ी पूरी भरमार लगी हुई है यहाँ पर। संडे वाले दिन मतलब होता है ना एक दिन होता है जो सबको जब छुट्टी मिलती है और लोग घूमने निकलते हैं। ये देखो सर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं है ना। और आज तो भाई आइसक्रीम के ठेले आज कुछ ज्यादा ही। अच्छा पुलिस वाले भी खड़े हैं। पुलिस वाले भाई खड़े हैं कि हाँ चलो यहाँ पर कुछ कांड वांड कुछ ना हो जाए। और वो देखो गाइस वो अंबेडकर पार्क के आज 2-4 लाइटें आज एक्स्ट्रा जला दी है ये लोग। उस वाले चौराहे से अगर सीधे अगर निकल जाते तो पत्रकारपुरम जो है वो आ जाता। पर ऐसे डेंजरस स्पीड ब्रेकर है ना ये देखो, ये जैसे अंधों को तो मतलब ही नहीं है यार, ये अंधा कर देता ये वाला स्पीड ब्रेकर। और ये हमारे बगल में जो तुम लोग जो जंगल देख रहे हो ये बेसिकली लोहिया पार्क है ना। एक जमाने में लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क हुआ करता था ये, लेकिन फिर बाद में जनेश्वर बन गया। अच्छा यहाँ पर भी इस वाले पूरे पुल पे मतलब पुल इस वाले पूरे रोड पे ये जो बीच वाली लाइट तुम लोग देख रहे हो ना इन सब पे लाइटें लगी हुई थी है ना, मतलब झालर लगी हुई थी। लेकिन वो पता नहीं भाई झालर उखाड़ दिए क्या हो गया, चोरी हो गया। लेकिन काफी अच्छा लगता था देखने में यहाँ पर भी है ना इस जगह पे। जैसे लोहिया पथ पे पूरा है वैसे ये भी लोहिया पथ ही है, लेकिन लोहिया पथ पे और आगे। ऑलरेडी गाइस सो हम जो है वो अपने स्टॉप पे हम लोग आ चुके हैं। ये पॉलिटेक्निक का चौराहा है ना जो कि मेरे घर के एकदम ही नजदीक है। कि ये वहाँ पर लड़ाई वड़ाई चल रही है क्या पॉलिटेक्निक पे, मतलब उधर उस वाली जगह पे। चलो भैया सिग्नल लग गया मतलब खुल गया। हॉर्न क्यों? अरे 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 अंकल, अरे 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 अंकल, अरे भाई 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 भाई, भाई। नशे में चल रहा है, दारू लेने जा रहा है। पैदल वाले लोग भी भाई अजीब तरीके से चलते हैं। ऑलराइट गाइस सो इस समय शाम के समय 9 बज रहे हैं। 9 बजे भाई हम जो है वो अपनी चाय पी रहे थे। भाई इतने देर से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ ना अपने इस वाले वीडियो की, तो एक एक वीडियो को देख देख के उसका फुटेज निकाल निकाल के भाई एकदम दिमाग पूरा खराब हो गया। कॉन्टेंट ढूंढने गया था भाई इतना, पता नहीं कहाँ मैं खो गया था इसी में ही। लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही है ना। अगर ये वाला ब्लॉग मेगा मोटा ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अब तुम लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। चलो गाइज बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर कर देना यार है ना, मतलब ग्रोथ कराओ यार चैनल की, तभी तो मोटिवेट होऊंगा मैं। चलो बाय बाय।